हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले लैब असिस्टेंट का रिजल्ट, PGT और JSSC JEE रिजल्ट का कब आने वाला। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो थोड़ा बहुत मेरे को जानकारी मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। ठीक है, हम वो ऐसे आदमी है नहीं कि मेरे से चेयरमैन डायरेक्ट चेयरमैन सर से बात होता है। ठीक है, आजकल के यूट्यूब में ट्रेंड बन चुका है, ठीक है, कि चेयरमैन सर से ये बात हुआ है, ठीक है, चेयरमैन सर से वो बात हुआ है और आप लोग तो शेयर करते हैं। अब पता नहीं क्या सच्चाई है क्या झूठा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेंड बना हुआ है आज के डेट में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्योंकि देखिए उन लोग भी जानता है कि सब चीज़ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन लोग हो सके कि पढ़ा लिखा वीडियो डालता होगा, शायद ना देख रहा हो क्यों, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। तो ट्रेंडिंग बन चुका है, आप भी यूट्यूब चैनल खोल के ऐसे कीजिएगा तो आपका भी व्यू अच्छा खासा चला जाएगा। ठीक है, लोग सब्सक्राइब भी कर लेगा अच्छा खासा। तो ऐसे ट्रेंड बना हुआ है तो हमें पता नहीं दोस्तों कि पहले एक चैनल था, अभी भी चैनल है, उसका नाम तो नहीं बताएंगे। डेली JSSC से बात करता था चेयरमैन से, वो लड़के लोग हमको खुद बताता था फोन करके कि सर वो बात किया JSSC चेयरमैन से। डेली किसी को बात करेगा कि आज कल वो होने वाला है, आज ये होने वाला है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ दोस्तों अभी तक। PGT रिजल्ट कभी बता दिया था वो, लैब असिस्टेंट कभी बता दिया था वो। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों बता रहे ना आप लोग मतलब क्या बोलते हैं, इमोशनल के साथ खेला जाता है, कुछ नहीं है, सच्चाई यही बात है। हम आप लोग साथ हम बताने वाले हैं, हमारा तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं है चेयरमैन सर से। ठीक है, वैसे भी हम दिल्ली में रहते हैं तो उतना भी है नहीं कि वहाँ जाकर बात कर लें, और हम वहाँ जाते भी नहीं। ठीक है, बात करने सच्चाई यही था। ठीक है, ये भाई ऐसे थोड़ी होता है भाई, कोई भी मतलब हर दो दिन तीन दिन चेयरमैन साहब मिलने जाएगा और मिल के बात भी कर लेगा आपको, ऐसा होता है क्या कभी बताइए। आप भी चेयरमैन बनिएगा, चेयरमैन छोटा मोटा पोस्ट होता नहीं है, और डेली दो चार दिन के बाद कोई जाएगा उससे बात भी कर लेगा भाई, भगा देगा भाई, समझ रहे बात को, तो वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, खैर जो भी है अच्छी खबर है, यदि बात करता भी हो तो अच्छी बात है दोस्तों, और नहीं भी करता तो उसमें भी अच्छी बात है, क्योंकि उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग क्या करते हैं, बस उन लोग पीछे ज़्यादा पड़ जाते हैं कि हाँ न्यूज़ बता रहा है, तुरंत सब्सक्राइब करके तुरंत एकदम व्यू चला गया भाई, इतना चल गया, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये सब ऐसे मजे लेने के लिए बात है। ठीक है, हम कई बार ऐसे देखे हुए कि ऐसा कुछ बोलता है कि चेयरमैन सर से बात हुआ है, तो भाई चेयरमैन सर से बात क्यों हो जाएगा भाई, ऐसे थोड़ी हो जाता है। हम मानते हैं कि दो चार पाँच महीने के बाद कोई गया तो हो सकता है, एक महीने बाद गया तो हो सकता है, हर दो चार दिन में यार चेयरमैन सर से बात, ये क्या मतलब है भाई। ठीक है, खैर जो भी दोस्तों, देखो दोस्तों मेरे जानकारी के अकॉर्डिंग हम ये नहीं बता सकते कि एग्जाम रिजल्ट यही हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो काम करता JSSC आपको पहले बता चुके हैं, वो उतना बड़ा पोस्ट है नहीं, लेकिन काम करता JSSC के अंदर, दो चार को अपडेट दिया है बढ़िया वाला, जैसे 14 अक्टूबर को जो रिजल्ट एग्जाम डेट बताए थे हम, 14-15 अक्टूबर को सबसे पहले हमें बताया था यूट्यूब पे, और वही बताया था, मतलब अपने से नहीं बना दिया। ठीक है, तो कुछ कुछ हो जाता है, कुछ कुछ आगे पीछे हो जाता है, नहीं कर सकते। खैर जो भी है, तो लैब असिस्टेंट रिजल्ट तो ये देखिए डेट तो नहीं बताया, लेकिन बोला कि दुर्गा पूजा से पहले मिल जाएगा, तो दुर्गा पूजा देखिए 15 तारीख तक स्टार्ट है। ठीक है, पता ही आपको, तो उसका मतलब कहने का मतलब जो अगले सप्ताह में आपका रिजल्ट लैब असिस्टेंट का आ जाएगा, इसका मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं बताया, लेकिन बोला दुर्गा पूजा से पहले आपको लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आ जाएगा। और PGT वाला में दोस्तों थोड़ा यस नो करके हो रहा है। ठीक है, PGT वाला रिजल्ट मतलब आप बताया कि PGT वाला रिजल्ट 40% मान के चलिए कि 40% मान के चलना है आपको कि दशहरा से पहले आएगा, और 60% मान के दशहरा के बाद ही आने वाला है, कहने मतलब दशहरा मतलब 24-25 तक आपको PGT रिजल्ट आने वाला है, लेकिन लैब असिस्टेंट का रिजल्ट PGT दशहरा से पहले आ रहा है। ठीक है, तो जितने भी छात्र परेशान थे लैब असिस्टेंट वाले, अब बस इतना दिन इंतजार किए, तो एक सप्ताह मतलब हो ही गया, आज बृहस्पति शुक्रवार कल हो जाएगा, उसको दो दिन छुट्टी रहता है उधर, फिर अगला सप्ताह रिजल्ट पूरा पूरे चांसेस से लैब असिस्टेंट का आ जाएगा। ठीक है, PGT वाला भी उसके अगला सप्ताह तक आ जाएगा उसका। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता चला है। ठीक है, दूसरी बात है दोस्तों JSSC JEE वाला का, तो इसका देखिए जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें आप लोग टेंशन मत ले, बहुत सारे छात्र परेशान है कि ये एग्जाम कैंसिल हो गया, पता नहीं कब लेगा, उसके लिए लेट तो नहीं हो, नहीं लेट नहीं होगा दोस्तों, यदि 20 तारीख से पहले, देखिए 20 तारीख से पहले उसका एग्जाम होने नहीं जा रहा है, बहुत कम चांस है, क्योंकि शेड्यूल खाली मिल गया मान लिया एजेंसी को तो 1 तारीख को ले लेगा, लेकिन बहुत ही कम चांस है दोस्तों कि 20 तारीख से पहले होने वाला, 20 तारीख को एक डेट को दे देगा, 22-23-24 जो भी हो एक दिन को ले लेगा, उसमें कोई बड़ी मैटर नहीं है, ले लेगा रिजल्ट, और आपका रिजल्ट दोस्तों जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक तक रिजल्ट जाएगा आपका, जनवरी के पहला सप्ताह तक आपका रिजल्ट आने का चांसेस है 99%, जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आने का चांसेस है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, तो आप लोग पूरा इंतजार करना है, नवंबर पूरा इंतजार करना है, पूरा दिसंबर तक इंतजार करना है। ठीक है, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा JSSC JEE का, ऐसा पता चला है। ठीक है दोस्तों, बाकी देखते हैं क्या आता नहीं आता, लेकिन दोस्तों आप लोग पढ़ाई करिए, जितना वीडियो रिजल्ट के लिए दे रहे दोस्तों, ठीक है, इतना शायद ही आपको यूट्यूब में कोई दे रहा होगा, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट बता रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा चीज़ मिल रहा है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना, बस आप लोग इसके पीछे पागल रहते हैं कि कौन JSSC चेयरमैन से मिला, कौन क्या बोला हुआ है, भैया इससे नहीं होगा सिलेक्शन, आप मानिए, थोड़ा सा सच्चाई बोल रहे, थोड़ा सा कड़वा लगेगा, इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है, सिलेक्शन वही होने वाला है जो पढ़ रहा है, जो अच्छा अच्छा चीज़ें देख रहा है। अभी कितना अच्छा आज देखें, 2 बजे वीडियो डाले थे आज एजेंसीज के बारे में कि फॉर्मेशन कब हुआ, झारक्राफ्ट का कब हुआ है, ठीक है, JPSC का फॉर्मेशन कब हुआ, उसका अध्यक्ष पहला कौन था, ठीक है, कितने मेंबर लोग होते हैं, और अच्छा अच्छा चीज़ दिए, झारक्राफ्ट हो गया, फिर बहुत सारा है, JSDMC, ठीक है, और बहुत सारा चीज़ आपको करवाएं, लगभग 10-15 पॉइंट करवाएं, और वो हम गारंटी दे सकते हैं आज हम
कि 100% श्योर मानिए, उस वीडियो से एक क्वेश्चन नहीं आया ना जैसे सीजल में, तो फिर मेरे को बता दीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, 100% गारंटी साथ बोलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है सीजल में। पूछ देगा फुल फॉर्म उसका, पूछ देगा या फिर पूछ देगा इसका स्थापना कब हुआ था, ठीक है, क्योंकि लैब असिस्टेंट ने क्वेश्चन पूछा, पीजी टीम पूछा, जे सीजल में तो पूछने का पूछना है, तो तय है, हम बता दिए तय है भाई, मोहर मार दीजिए 100% का उसमें। एजेंसी और जो भी करवाएं 2 बजे से जाकर देखिएगा, ठीक है। लेकिन उसको लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं, क्यों देखें ये सब चीज़ से गई। लेकिन दोस्तों खैर जो भी है, जो देख रहा हो तो उसको तो फायदा होगा ही, जो नहीं देख रहा है उसको तो घाटा तो नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा हो, ठीक है। लेकिन जो कोई जो यूट्यूब चैनल को जो फॉलो कर रहे हैं, तो कोई बढ़िया चैनल फॉलो कीजिए जो आपको मतलब एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ दे और आपको सलेक्शन तक पहुँचा सके शायद, ठीक है। पहुँचना तो आपकी आप ही की बदौलत है। अरे ऐसे देखिएगा चेयरमैन ने ये बताया वो बताया, उसके पीछे रह जाइएगा दोस्तों, फिर आपका बेड़ा गर्क होने वाला, बता रहे ना, फिर कुछ नहीं होने वाला है, वहीं जहाँ का तहीं रख जाइएगा और आपका सलेक्शन कोई और लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो इस सबसे थोड़ा सा बचे हैं, क्योंकि दोस्तों शुरू में हमको भी लगता था कि चलो चेयरमैन सर जाता है मिलने, तो हो जाता कुछ कुछ बोला होगा, लेकिन यार हर 2-3 दिन में चल जाता है कोई चेयरमैन सर से मिलने के लिए, ये थोड़ा हमको समझ में नहीं आता। चेयरमैन छोटा मोटा चीज़ तो होता भी नहीं है कि सबसे बात करने लग जाए। बाकी एक बार आप लोग जाकर ट्राई करके देखिएगा, देखिए बात होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो खैर जो भी है दोस्तों, यदि होता भी होगा तो हम नहीं कर सकते हैं उसको बुराई, उसको नहीं कर रहे हैं, होता हो तो अच्छी बात है, लेकिन हमें तो अंदर से नहीं लगता कि हर 2-4 दिन में कोई जाएगा चेयरमैन सर उससे बात भी कर लेगा। और एक ही चीज़ एक ही मैटर पे, जैसे होता है ना कोई नया मैटर तो अलग बात है, एक ही मैटर पे सीजल कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, एक ही मैटर पे अगर यार चिड़ नहीं जाएगा बताओ, छोटा मोटा आदमी तो है नहीं यार, ठीक है ना। खैर जो भी है, ये तो बात की बात है, बस ऐसे ही फलो फलो बोल दिए, बात बोलना तो नहीं था हमको, खैर बोल दिए, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी है लेबर असिस्टेंट वाले, पीजीटी वाले और जेई वाले तैयार हो जाइए, और अभी भी देखेंगे कल अखबार में पढ़े होंगे कि अभी 50,000 नियुक्ति जितना भी है देने वाला है जनवरी तक का बात पूरा है, तो इसमें से ये पूरा पूरी चांसेस बन रहे तीनों चीज़ का मिलने वाला। बाकी सीजीएल वाला थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि इसका एग्जाम ही दिसंबर में हो रहा है, तो फरवरी मार्च तक जा सकता है ये, लेकिन उसका भी बहुत जल्द सब चीज़ होने वाला है। बस जो भी डिले है एग्जाम लेने वाला डिले है, बाकी आगे का प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से होने वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपडेट पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए होंगे तो, जितना भी एग्जाम जो रह रहा है जैसे नगर पालिका वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट डाल रहे वो भी देख लीजिएगा, काम आएगा, ठीक है। और सीजीएल के लिए तो शुरू से ही डाल रहे हैं, ये सब को है नहीं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।